दुर्ग विधानसभा प्रवास पर पहुंचे भाजपा के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने भाजपा कार्यालय में पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने चरणबद्ध सभी से चर्चा भी की। आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं में जोश भरने अपने दुर्ग प्रवास दौरे पर रविवार को पहुंचे, जहां वे भाजपा के कार्यालय में विधानसभा क्षेत्र के समस्त कार्यकर्ताओं के साथ भेंट मुलाकात, दुर्ग विधानसभा स्त्री कार्यकर्ताओं की बैठक के साथ ही दुर्ग नगर निगम के निर्वाचित वर्तमान पार्षदों से मुलाकात कर चर्चा की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन, संभाग प्रभारी भूपेंद्र सवन्नी, जिला प्रभारी राजू अग्रवाल भी इस कार्यक्रम में शामिल थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारा संगठनात्मक गतिविधि का हेतु प्रवास है और हर विधानसभा में वहाँ की स्थितियाँ का आकलन, संगठन की संरचनाओं का आकलन और संगठन को आगे किस प्रकार से बढ़ना है, उन सब चीज़ों पर चर्चा किया गया है और दो तीन स्तर की बैठक है। उन सभी स्तर की बैठकों से चर्चा करने के बाद पार्टी की जो आगामी कार्यक्रम है उसकी चर्चा, और जिस प्रकार से लगातार भूपेश सरकार अहंकार के साथ, भ्रष्टाचार के साथ, अराजकता के साथ काम कर रही है, तो जनता के बीच में उस पूरे विषय का संवाद करना, किस पद्धति से वर्कर्स हमारे स्थानीय मुद्दों को, जिस प्रकार से सरकार लगातार विफल रही है हर मुद्दों पर, उसको कैसे नीचे तक ले जाए, उसकी चर्चा हम लोगों ने की है। आप इतिहास की चर्चा कर रहे हैं, हम भविष्य की चर्चा कर रहे हैं। इतिहास ये भी है कि हम यहाँ पर लगातार चुनाव जीते हैं, भविष्य ये है कि निश्चित रूप से भाजपा कार्यकर्ता अपने हाथ में कमल का निशान लेके जब निकल जाएगा तो कोई ताकत नहीं है जो यहाँ भाजपा को हरा पाए। भाजपा बिखरे हुए नहीं है, आपको मैंने इसीलिए कहा कि कमल का निशान को लेके बढ़ना है और कमल के निशान के साथ कार्यकर्ता संकल्पित हो रहे हैं। मैंने जो बैठक किया उसमें भी सब ने कहा कि हम कमल के निशान के साथ हैं। इसलिए जब बड़ा परिवार होता है तो कई चीज़ें होती हैं, लेकिन मैंने स्पष्ट कहा है कि भाजपा कमल के निशान के साथ जब बढ़ेगी तो कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है और दुर्ग भारतीय जनता पार्टी का किला रहा है, दुर्ग भाजपा का पूरा इतिहास रहा है, इसलिए दुर्ग का भविष्य भी भाजपा होगा। देखेंगे, हर कार्यकर्ता में कमल है और कमल में नरेंद्र मोदी है, इसलिए सब कार्यकर्ता भाजपा का भविष्य है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।